Okay, we know how to report the uh, station uh, stationary test unit, uh, unit root test. Now we're moving toward the leg selection. Let's assume that this is your data and you are going to find out uh, which at which lag you will run the your equation. Uh hum open war work your criteria select kia, uh, uh, view lag structure leg. लेंथ क्राइटेरिया यहाँ से आपने यहाँ पे ऑटो लेफ्ट डिफॉल्ट जो भी चल रहा है आप उसको सिर्फ क्लिक करें एंड देन यू कैन नो अकॉर्डिंग टू दाई इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया आपके पास दो लैग आ रहे हैं ठीक है uh, इसको लैग की की हम जो आई मीन सिलेक्शन है वो क्यों करते हैं ताकि हम जो है वो Uh, अपनी देख सकें कि, कि कितने लेवल के ऊपर हम जो है वो मॉडल uh, को जो है हमारी uh, जो है वो उसकी सिग्निफिकेंस रहेगी ठीक है अच्छा रिड्यूस रेजिडुअल कोरिलेशन ठीक है ऑप्टिमल इट इज बिकॉज रेजल को रिलेशन को हम कम से कम कर सकें ठीक है डिफरेंट आपके पास ये क्राइटेरियाज हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं ठीक है लेकिन आ, हम ज्यादातर ए आई सी का इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिलाई करते हैं ठीक है ये आपने इक्वेशन जो भी रन की थी इसको आप अपने पास कॉपी कर लें और इसको याद रखें कि आपने यही इक्वेशन फर्दर जो है वो रन करनी है ठीक है अच्छा आ, आ, ओके डिलीट दिस अब हम जा रहे हैं अपनी एस्टिमेशन के ऊपर हमने इक्वेशन के ऊपर गए यहाँ पर हमने इकाई किया यहाँ पर आपने टू लैग को देख लिया सिलेक्ट किया ओके दिस इज योर ए आर डी एल रिजल्ट ठीक है मॉडल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया यहाँ पर वन टू टू का ए आर डी एल आपके पास रिजल्ट है ये आपने कॉपी करके अपने पास पर uh, कर लिए यहाँ पर आपके पास एक सिग्निफिकेंट एक इन सिग्निफिकेंट है यहाँ पर भी ऐसे ही चल रहा है तीन आपके पास इसके जो सी सी है उसके है उसमें से एक सिग्निफिकेंट है इस सब को चेक करने के लिए हम बोल टेस्ट बाद में करेंगे अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है बाउंड टेस्ट ओके फाइंड इसको कॉपी कर लें अपने पास तो पेस्ट कर लें जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन इसको आप एक जगह पेस्ट करते रहें ठीक है इसको आपने एक जगह अपने पास रख लिया कि ये आपका रिजल्ट आपको फ्यूचर में काम करेगा नेक्स्ट हमने क्या करना है वी हैव टू मूव टूवर्ड बाउंड टेस्ट ओके okay, अच्छा जरा सा एआरडीएल को देख लेते हैं एल एआर की आपके पास इस में होती है, कुछ डिफरेंस इक्वेशन होती है कुछ आपके पास उसके लैग्स होते हैं ठीक है थीके? इस तरह से लैग्स की सिलेक्शन हम जब भी करेंगे वॉल्ड टेस्ट के थ्रू करेंगे और आपका नल हाइपोथेसिस इन है बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री जहां पर डिफरेंस नहीं आ रहा ठीक है वो इक्वल्स टू जीरो इट मीनस देयर इज नो को इंटीग्रेशन ठीक है और आ, और अगर इसको हम हाई, आ, नल इसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देखें तो उसका मतलब है एटलीस्ट वन पैरामीटर इज नॉट इक्वल टू जीरो ठीक है इसको कंपेयर करते हैं एफ टेक्स के साथ वो हम बाद में देखेंगे सबसे पहले आप इक्वेशन को अपनी बना लीजिएगा ट्रांसफॉर्म कर लें फिर उसको इस फॉर्म में लिख लें ठीक है सम्मिशन जो भी आपके पास डेल्टा है जो भी वेरिएबल्स हैं, उनको सबमिशन की फॉर्म में एक लिख लिया और इसको ओपन करके सिर्फ डेल्टा की फॉर्म में लिख लिया जितने भी वेरिएबल्स आपके पास आ रहे हैं ठीक है ये आपका नल हैपोत्सिज बन गया और जो सबिशन के अलावा आपके पास चीजें हैं वो आप टेस्ट करेंगे ठीक है वॉल टेस्ट के थ्रू ओके आ, ये है कोई उसके बाद इम्पोर्टेंट डिस्कशन नाउ वी मूविंग टू द बाउंड टेस्ट ठीक है बाउंड टेस्ट के लिए ए आपको रन करना जरूरी है कोफिशेंट के अंदर गए यहाँ पर बाउंड टेस्ट लिखा हुआ आएगा अच्छा ये अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसको आ, इसको डाउनलोड करेंगे एड्स इन में जाके ठीक है एड्स इन में जाके मैनेज एड में जाके आप वहां से मैनेज नहीं डाउनलोड के अंदर जाके आप यहां से बाउंड टेस्ट को डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे and then you can have this, uh, thing. Okay? के लिए find out कर लेगा और download कर और ये okay. ये आपके पास data, ये आपके पास पास आ गया ठीक है इसको कॉपी करके ना भूलिएगा नहीं जहां भी अपने रिजल्ट रख रहे हैं उसको आपने कॉपी एक जगह कर लेना है क्योंकि कभी कभार आपका सिस्टम एकदम से बंद हो सकता है मत uh, मतलब uh, ई e व्यूज आपको धोखा दे सकते ये अलेवन जो है ये देखें आप क्रिटिकल वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं हम इसके अपर बाउंड और लोअर बाउंड के साथ और ये विच इज ग्रेटर ठीक है तो उसका मतलब है देयर इज गो इंटीग्रेशन एग्जिस्ट ठीक है इसको आपने रिपोर्ट करना है रिपोर्ट करने का जो तरीका है वो आई होप मैंने रिपोर्ट आप आ, जो है वो प्रॉपर इस तरीके से भी कर सकते हैं ठीक है थीके? दिस इज दे यू कैन रिपोर्ट ठीक है यहाँ पे आपने वैल्यूज रखी टेस्ट स्टेटिस्टिक वैल्यू सिग्निफिकेंट लेवल अप अबाउंड लोअ अबाउंड आपने इसको कम्पेयर किया एंड सेन को इंटीग्रेशन एग्जिस बिटवीन आई मीन वेरिएबल्स राइट अच्छा यहाँ तक हो गया फिर आप अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप क्या है बाउंड टेस्ट को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर रही है एरर uh, करेक्शन ठीक है लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन शॉर्ट रन रिलेशनशिप और कितने टाइम में वो उसको कर रहा है ठीक है कोफिशन डायग्नोस्टिक टेक्स पे गए को इंटीग्रेशन लॉन्ग रन फॉर्म ये आपके पास लॉन्ग रन रिलेशनशिप आ रहा है नीचे देखें और दिस इज द शॉर्ट रन ये दिस इज द एरर करेक्शन कितनी जल्दी कितना टाइम में वापस रिकवर हो रहा है इज नेगेटिव इट जो है आपकी स्पीड ऑफ रिकवरी का जो है टाइम वो इनवर्स उसके साथ चल रहा है ठीक है तो ये आपने यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेना है ठीक है अच्छा आँग... ओके जब भी इक्वेशन बनाया आप तो इसमें आपने ये जो को इंटीग्रेशन का वर्ड है ये इसको रिप्लेस करना है ई सी टी के साथ ठीक है यहाँ तक आपके इम्पॉर्टेंट चीज है डिस्कस स्ट्रक्चरल ब्रेक ठीक है स्ट्रक्चरल ब्रेक का मतलब कि आपके पास काफी सारे लैग्स जो आ रहे हैं उनकी इक्वेशन आप किस तरह से उनको कैसे जस्टिफाई करेंगे पहले आप रिप्रेजेंटेटिव पे चले जाएं यहाँ पर देख लें कितने लैग्स आ रहे हैं जैसे कि C2, C3, C4, ठीक है इनको आपने एक साथ बताना है कि इनका इफेक्ट कितना आ रहा है तो यू कैन गो फॉर कोफिशन डायग्नोस्टिक्स वर्ल्ड टेस्ट पे जाए आप C टू इक्वल्स टू सी थ्री क्ल्स टू सी फोर इक्वल्स टू जीरो जो भी रिजल्ट आ गया ये इफ इट्स ग्रेटर प्रोबेबिलिटी देंगे कम है इसका मतलब है इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट है का इसको वैल्यू भी काफी हाई आ रही है ठीक है तो ये आपको रिपोर्ट करना होता है इसके बाद आ, आपको जाना होता है डायग्नोस्टिक टेक्स्ट के ऊपर ठीक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताती हूँ